रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देव, I'm sorry, but... अरे छोड़ ना ईशा इन बातों को, मुझे पूरी एक साल बाद दिख रही है। तुझे पता है मेरी एक बेटी प्रिया, आज उसी का बर्थडे। बट मैं ये अवार्ड दो लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा, एक है मेरी बेटी रिया और दूसरी मेरी वाइफ देवीना। दिस अवार्ड बिलोंग्स टू देम। थैंक यू। धीरे बोलो, रिया जाग जाएगी। कोई नहीं जागेगा यहाँ पर। कौन उठेगा इस पूरे घर में? तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमारी रिया मर चुकी है। चुप, चुप। राहुल विक्रम और ईशा को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ा। एक डील के सिलसिले में वो सब लंदन में एक दूसरे से मिले। राहुल डिन केयर, पर दूर रहते हुए भी जिस तरह देवीना दी, ईशा और मेरी खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, उसी तरह एक का दुख बाकी दोनों को अफेक्ट करने वाला था। Is that Rahul? Yes, yes, yes. That's Rahul. Sorry, sir. तुम्हें पता है? ये सेवन में ही रुका हुआ है। 112. इस सब पता कर लिया है। जिस डील के लिए विक्रम आया है ना, उसी डील के लिए ये भी आया है। सब कुछ ट्राई करके देख रहे हैं यार। Bloody hell. बड़ी कमिटेड टाइप का है तुम्हारे बहन के लिए। उसको मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं भी तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरों के रूम में घुसने की कोई बिना चाबी के आदत गई नहीं तुम्हारी, या फिर मेरे साथ ये हाल? हम जब भी लंदन आते हैं इसी होटल में रुकते हैं, और आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, राइट? तुम्हें देवीना के साथ होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने? तुम देवीना को इस हालत में कैसे छोड़ के आ सकते हो? She needs you, don't you fucking understand? Did you fucking understand? जब वो रोते हुए तुम लोग के पास आई थी, ठीक मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मेरी मदद कर दो, तब समझ समझ नहीं आई? यू फकिंग ब्लडी बिच। बहन बहन बोलकर उसने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, और तुमने क्या किया? तुमने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली, हमारी बेटी छीन ली। यू नो व्हाट, जब रिया पैदा हुई थी ना, तो उसे खून की कमी थी, खून की वजह से उसकी बॉडी पीली पड़ गई थी। बाकी खून पता कहां था? तुम्हारे हाथों में, विक्रम के हाथों में। यू आर फकिंग मर्डरर, यू बोथ आर मर्डरर्स। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आई नो मेरी गलती थी, इसलिए कभी माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं की मैंने। आई नो आई एम सेल्फिश, आई नो कि मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, पर देव, देव को तुम अकेला छोड़ के कैसे आ सकते हो? उससे तुम्हारी जरूरत है। तुमने प्रॉमिस किया था कि लाइफ टाइम से प्रॉमिस मैंने उसको और किया था कि तुम्हें और तुम्हारे पति को बर्बाद कर दूंगा। यू नो व्हाट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम और तुम्हारा पति यहाँ पर आए ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज जैसे जैसे मैंने उसके सारे क्लाइंट छीन लिए, वैसे मैं उससे ये क्लाइंट भी छीन लूंगा। इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा, राइट? राहुल, thank you.
आरवी आरवी तू ठीक तो है ना बेटा? रिया रिया ओ मेरे बच्चे सांस नहीं ले रही, प्लीज कोई डॉक्टर, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। रिया रिया मम्मा आ गया, आपकी बच्ची रिया, रिया देखो पापा यहाँ पे, मेरी बच्ची सांस नहीं ले रही, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए डॉक्टर। मैम बच्ची एकदम ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। और थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। आंटी आपकी गर्ल खराब हो गई है ना, आप मेरी ले लो। I'm sorry. आपकी बेटी अब नहीं रही। Hi, someone's looking gorgeous. Hello. One second. Aren't they Akoya pearls? Oh, yeah. Vikram ne gift kiya, right? Contract jeet liya kya already? Are usme jeetna kya? Saalon se hamara hai, hamara hi rahega. Good evening, guys. May I join you? Wo kya hai na, sir? सक्सेस बिना फैमिली के मजा नहीं है, फिर चाहे वो अच्छी हो चाहे पूरी, राइट? सक्सेस जीतने को कहते हैं, पार्टिसिपेट करने को नहीं। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। Do you wanna bet? यार एक बात बता, तेरे पास अपना है क्या बेट में लगाने को? ओके माई BMW, इट्स योर्स इफ यू विन। My Ferrari. It's faster, nicer, new. Vikram, just ignore him. Why are you getting into all this? Come on, Vikram. It's gonna be fun, very interesting, isn't it? Why don't you bet something better? Something bigger? Okay. Agar tum jeet gaye, to mera jo kuch bhi tumhe chahiye, wo tumhara. Chalo, kya hai na, aapke paas aise kuch hai nahi jo mujhe pasand ho. But जब जीत जाऊंगा मांग लूंगा। Ladies and gentlemen, putting an end to your long wait, I now call upon the chairman of the consortium, Mr. James Lee. Good evening, friends. I trust you're all having a good time. Well, the moment you've been waiting for is finally upon us. It is time to announce the winner of our annual contract. So please make sure all your glasses are filled, yes? Very good, because this year the contract goes to Mr. Rahul Nanda of Rhea Industries, whose bid, I might add, was the highest in the history of the consortium. So let's all raise our glasses and drink a toast. To Mr. Rahul Nanda. Cheers. Cheers. Bravo. Rahul. My bid was really cutthroat. Us din niche jana suicidal hoga. Deliver nahi kar paoge. Penalties bharte bharte tumhari zindagi barbaad ho jayegi. All thanks to you, sir. Wo kya hai na, sab kuch haarte haarte jeetne ki aadat si ho gayi. And Mr. Rahul Nanda, please step up. Rahul, come up here.
मेरी रिया, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। वो नहीं बच सकी और मैं पिछले एक साल से इस झूठ के सहारे जीती आ रही हूं। लेकिन सच जानकर भी मैंने क्या पाया? मैंने तो सब कुछ खो दिया। तुमने सब कुछ खोया? नहीं डार्लिंग, सब कुछ राहुल ने खोया है। पहले अपनी बच्ची और फिर तुम्हें। वो लड़का इतनी मेहनत करता रहा पैसे कमाने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे लिए ना। लेकिन तुम एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकी। उसको सपोर्ट करने के बजाय तुम रोज उसे बच्ची की याद दिलाती रही। तुम्हारे साथ रहने के बावजूद लोनली रहा वो पुअर बॉय। Come on guys, why so sad faces, huh? Look at the bigger picture. Family family hoti hai, chahe achhi chahe buri. You know what, mera business bahut acha chal raha hai. Maybe I'll give you a subcontract. Bloody mind your language. Shh. Wo kya hai Vikram, main apna aaj mood kharab karna nahi chahta hu. It's such a big day for me, you know. Ha, wo kya shart thi? Yes. So main tumhari wife ke sath डांस करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। Excuse me? मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। प्रॉमिस तोड़ना तुम्हारा शौक है दस्तूर। अब देखो तुम्हारे पति हार चुके हैं, डांस तो करना पड़ेगा। कम राइट विक्रम, मैं Come on, तुम्हारे पति ने शर्त लगाई थी। राहुल, let go of me। मुझे तुम्हारे साथ डांसिंग करना। I don't care। राहुल सब देख रहे हैं, सीन मत क्रिएट करो। क्यों? बुरा लग रहा है और मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करता। मुझे सिर्फ एक चीज इफेक्ट करती है और वो है देवीना। और तुमने और विक्रम ने मिलकर मेरी देवीना को सफर कर रहा है। तुम्हें पता है, एक डॉल से बात करती है, एक डॉल से खेलती है, एक डॉल को खाना खिलाती है, उसको ऐसी हालत में देखना बिना हॉट टीन्स, तो उसकी हालत के सामने तुम्हारी इज्जत आई जॉन के हाँ कह भी दिया तो कितना टाइम लास्ट करोगे? 10 तक गिनो। राहुल, राहुल, I'm sorry, राहुल। Hello, are you okay? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे रिया के बारे में बात करनी थी। रिया को लेकर मैं पिछले एक साल से। Listen, Devina, I can't hear you. Devina, I'm gonna call you back, okay? But. Bye. क्या हुआ? भूत दिख गया? ओह सॉरी, वो क्या है ना, जो भूत होता है ना वो फिर भी एक बार आता है, लेकिन जब पुरानी यादें आती है ना वो बार बार आती है और तिल तिल के मारती है। मुझे पता है और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। यू नो व्हाट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली फकिंग राइट। मैं सफर कर रही हूँ, देखो मुझे घुट घुट के अपनी जिंदगी रोज जीती हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हें छोड़ के उस जानवर से शादी कर ली मैंने,
तुम्हें बदला लेना है मुझसे, बदला लेना है, बदला इंसान से लेते, मुर्दे से नहीं। मैं तो चलता फिरता हुआ मुर्दा हूँ, मुर्दा। उठो, मारो मुझे, मारो, 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 मारो मुझे, मारो। अगर तुमने मुझे एक बार भी प्यार किया, रो, मुझे मार डालो, मार डालो। मैं कौन हूँ अंदर से जरिये में, प्लीज मारो। ये बात क्या हो गई तुम्हारा? बैठो यहाँ पर। क्यों हो गया तुम्हें? हाँ, जलाने वाला था, एब्सोल्युटली खत्म कर देने वाला था। कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस हमेशा खुशियां देना चाहती थी, लेकिन इस पूरे एग्जाम में मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। I'm sorry Rahul, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुस्से में उठाया कदम अक्सर वापस पीछे नहीं लिया जा सकता। झूठ से एक पल की खुशी तो मिल सकती है, पर राहुल के गुस्से ने जिस सच को जन्म दिया था, वो टर्माइट की तरह धीरे धीरे हम सबकी लाइफ, सारे रिश्ते, हमारी खुशी, सब कुछ ख़त्म करने वाला था। दूर तो हम थे ही, लेकिन अब अलग होने के रास्ते खुल गए थे, जो शायद फिर कभी नहीं मिल सकते। ये रास्ते वो मोड़ लेने वाले थे जो हमें दुख एक मौत के नज़दीक पहुंचाने वाले थे।